नर्मदा जयंती पर स्थानीय नारंदी ब्राह्मण समाज सिवनी मालवा ने शहर में कलश यात्रा एवं भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकली, जिसका जगह जगह सामाजिक संगठनों द्वारा स्वल्पाहार के साथ स्वागत किया गया। शोभा यात्रा स्थानीय गायत्री मंदिर से प्रारंभ हुई, जिसका समापन स्थानीय नर्मदा मंदिर पर किया गया, जहां समाज जनों द्वारा सस्वर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया गया, जिसके पश्चात संगीत के साथ नर्मदा अष्टक का वाचन किया गया। फिर नर्मदा जी की आरती हुई। समाज के अध्यक्ष गोपीकांत कासिम ने बताया कि मां नर्मदा का अंचल में धार्मिक महत्व है, लोगों की आस्था जुड़ी है। नर्मदा नदी को मातुल्य माना गया है, ऐतिहासिक तौर पर भी इस नदी का काफी महत्व है। मां नर्मदा चारों युगों की साक्षी रही है, इसे शिक्षा और संस्कार की नदी भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि 1312 किलोमीटर में बहने वाली इस नदी के किनारे विभिन्न संस्कृतियां बसती हैं, इसलिए इसे सिर्फ नदी नहीं कहा जाता है, ये संस्कृति भी है। नर्मदा सभ्यता और संस्कृति सबसे प्राचीन है, इसने चारों युगों में मानव सभ्यता को देखा है। यही एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो आजीवन काल है, जिससे लोग आज भी जी रहे हैं। कई बड़ी सभ्यताएं आई और समाप्त हो गई, लेकिन नर्मदा सभ्यता आज भी अस्तित्व में है। इस नदी का जितना पौराणिक महत्व है, उतना ही धार्मिक भी है। इसकी खूबसूरती और सौंदर्य देखते ही बनता है। इसके दर्शन मात्र से पुण्य और सुख की प्राप्ति होती है। Nada, 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 nada